लंबी मतलब कितनी लंबी? वो तो उस कहानी पे होता है, लेंस से कोई लेना देना होता नहीं। रोहित सर, ओवर योर स्ट्रेट सर, यू नो फिल्म्स लाइक गोलमाल, द कॉमेडी फिल्म्स लाइक गोलमाल आर द वंस विच डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस, टीवी एवरीवेयर, बट वी डोंट सी मेनी डायरेक्टर्स इन टुडेस टाइम मेकिंग कॉमेडी फिल्म्स। व्हाई डू यू? अच्छा है ना, क्यों चाहता है कॉम्पिटिशन हो यार? है ना, हम दो लोग हैं ना, करते हैं ना, साजिद फराद और रोहित शेट्टी, बस हो गया। डेविड सर एक है, अभी जुड़वाएगी, बस दो तीन है हम लोग। दिस इज अ जॉनर व्हिच नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड मोर बिकॉज़ द इंडस्ट्री एज सच डोंट गेट मेनी हिट्स एक्सेप्ट द वंस व्हिच आर कमर्शियल एंटरटेनर्स इन टू सेंस। क्या बोलूं मैं, यू नो नो द फैक्ट इज नो, इट्स नॉट वेरी इजी टू राइट कॉमेडी, दैट्स द ट्रूथ। So a lot of people attempt, try it and fail miserably. Very few have managed to succeed and do good comedies. It's not easy to write it. Everybody thinks, you know, that you can crack two jokes so you can write a comedy film. No, let me tell you, it's very, very difficult to write a comedy film. And Rohit sir, you know, first Golmaal released in 2006, second in 8, third in 10, and then it took you 7 years. What was the reason for such a long gap? Waiting for the right story, okay, because we don't want to cheat the audience. मतलब कि सिर्फ गोलमाल brand के brand है तो कुछ भी बना लो. So we cracked, like we took a lot of time to crack the story, and by जब हुआ तो then we made the film. Rohit ji here. जो आपका tagline है, logic के बगैर तो ऐसा magic हो ही नहीं सकता. तो आपको जब आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट, आप किस में रहते हैं, अपने स्टार कास्ट पे या स्टोरी पे? सब पे, हर चीज जरूरी होती है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, स्टोरी स्टोरी के बाद स्टार कास्ट। ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि स्टार कास्ट, क्योंकि स्टार कास्ट भी ऑब्वियसली स्टोरी करेक्ट होगी तो ही स्टार कास्ट चलेगी। मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं है जिस दिन प्रैंक नहीं था, मुझे वो दिन याद करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी सिंगल डे आई हैव सेड दिस बिफोर बट आई विल से इट अगेन फॉर दोज हु हैवंट हर्ड इट, दीज फाइव बॉयज एंड रोहित सर, दे स्पेंड टाइम, मनी एंड डेडिकेशन टू प्लानिंग प्रैंक्स। देयर इज अ सेपरेट प्रैंक्स डिपार्टमेंट आई थिंक। वो लोग रात को सीन तो सोच के आते हैं, बट ये भी सोचते हैं कि अगले दिन क्या करना है। मतलब श्रेयस के कान के पीछे पटाखे फोड़े गए हैं, मुझे गलत डायरेक्शन दी गई है जहां मैं सीन में कुछ अटपटांग कर रही हूँ और पूरे क्रू को पता है, सिर्फ मुझे नहीं पता, और मैं कुछ अजीब सा कुछ कर रही थी सीन में एंड द होल क्रू स्टार्टेड लाफिंग। अजय सर इज द मोस्ट डेंजरस गाय, लाइक यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चेक के इज ही अराउंड, इज ही डूइंग समथिंग, एंड दे डू इट एंड देन दे वॉक आउट जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सो I think I've become a stronger person after this. अभी भी कर रहे हैं, प्रेस वाले नहीं बैठे, सब जूनियर आर्टिस्ट हैं। नहीं, इसलिए लाइट चालू कर रखी है हम लोगों ने, स्पेशल लाइट मंगाई हम लोगों ने। Oh God, as you can see, इसको समझाने की बहुत कोशिश की थी हम लोगों ने, but she didn't take us seriously. They are very scared of doing with me. Yeah, she's an equal actually. She's really an equal to them. मैं अब सब इनकी फाइल खुल गई है मेरे सामने, तो मैं अब नहीं आती इन लोगों के। Innocent me. These five boys are not innocent at all, including Rohit sir. Johnny bhai is the most innocent. Johnny bhai actually. Yeah. Actually Ajay is, but he's just a good actor. You don't know the difference. Tabu ma'am, here. So, you know, people actually associate you with a lot of stronger, intense roles. But that's why it was great for me to do this. In person, you're completely different. So was this a welcome change, closer to what you are in real life? What is the what? What is the welcome change? Because you've been doing in a lot. This film? Yeah. So, इस बार मैं फंस गई यार. So the change was that everybody around me was having fun while working, and there was nobody who took themselves so seriously, and nobody even took me so seriously. So I think that's why I had so much fun, and I really it was time for me to have this kind of experience. I was really waiting, and I was completely ready to have an experience like this professionally and personally. So in both ways, it was really like a relaxing experience for me, which I didn't have to think so much about what I have to do, because Rohit is so clear, like someone already said, that I had to just go and do it. Of course, मैंने पकाया थोड़ा, टैटू की,
But then after 2 days, I was like, chalo, I just do whatever. I'm just having fun here. Ajay bhai, ye normally ye prank kon design kon karta hai? नहीं सर आपसे पूछ रहा हूँ सर जानकारी के लिए हाँ आपसे कि कौन डिजाइन करता है और फिर कौन एग्जीक्यूट करता है क्या होता है कुछ भी डिजाइन नहीं होता यार सब मस्ती मजाक स्पॉन्टेनियसली होता है ऐसे कुछ प्लान करके जैसे कि परी कह रही थी कि एक रात को पहले प्लान होता है ऐसी प्लानिंग नहीं होती उसी वक्त ही स्पॉन्टेनियस अच्छा मैजिक होता है लॉजिक नहीं होता है ओ क्या बात है क्योंकि इतने इनोसेंट अजय जी दिखते हैं यार लोग ऐसे बोलते हैं इसलिए नहीं क्या होता है सेट पे ऐसे बैठे बैठे नजर आ जाता है कि किसके शक्ल पे सी लिखा हुआ है तो कैरेक्टर 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 हाँ मतलब कैरेक्टर ढूंढते हैं ना सही बात है सेट पे अच्छा नहीं कैरेक्टर अरे हेडलाइन बन जाएगा एक सेकंड परी ने अजय को सी कहा एक सेकंड एक माइक चल रहा है क्या मैंने कहा हम सबकी बात कर रहे हैं हम लोग इसमें कभी परी भी है कभी मैं भी हूँ कभी तुषार भी है अर्शद भी है रोहित भी है हम सब इसमें कभी ना कभी फंसते रहते कैरेक्टर है लोग गलत समझ रहे बहुत ही अच्छा लेकिन मतलब कि जैसे जॉनी भाई कह रहे थे ना कि पार्ट 3 से पार्ट 4 में बहुत बदलाव आ गया है दुनिया बदल गई है इंडिया बदल गया है तो लकी का कैरेक्टर क्यों नहीं बदलेगा तो तुषार इसमें बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं इसमें पूरी फिल्म में आपने जो ट्रेलर में देखा है अब एंजॉय करो ना पूरी फिल्म भड़क जाएगा तुषार सर सर सॉरी सॉरी सर दो सवाल के बाद मार देगा बोलने का नाम लिया नहीं कि भड़क गया भाई मेरा नहीं नहीं सर सॉरी सॉरी कोई नहीं पूछेगा क्वेश्चन बोलने के ऊपर अनुराग के साथ मेरा 36 का आकार मान लीजिए पुराने जमाने से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई जस्ट डिड दृश्यम या वी डिड दृश्यम ओह बट या नाउ इट इज इवन लास्ट वीक इज अ लॉन्ग टाइम ये क्वेश्चन पूछिए सॉरी टू इंटरप्ट Next part of the question. Excuse me. This is Harsha from Absolute. My question is for Parineeti. Parineeti. Yes. आपके पैर पे जो चोट लगी हुई है. आपके पैर पे जो चोट लगी हुई है ये शूट के दौरान लगी है या मतलब कैसे लगी क्या हुआ नहीं 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 घर पे घर ये दौड़ते हुए आ रही थी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी नहीं एक्चुअली 3 हफ्ते पहले ग्लास ब्लास्टेड अंडर माय फुट तो वो बहुत अच्छा फिल्म में नहीं हुआ ना तो आ जाएगा रोहित शेट्टी ब्लास्टेड फिल्म में नहीं हुआ हां मेरा कोई लेना देना नहीं भाई नहीं नहीं घर पे हुआ बट स्टिचेस लगे हुए सो आई एम जस्ट शोले देख रही थी रोहित No, I'm on detox in this film. Actually, he had planned to blow up a lot of cars, but then he stopped after the GST. The cars became expensive. Parineeti, Parineeti, here, center. Manisha here from India Times. Can you see me? Yes, hi. Hi. You know, Parineeti, actors' image is always misconstrued by the audiences. And one of the classic example is the recent viral pictures of Mahira Khan. Who? Mahira Khan. Is she in our film? I don't know about these pictures. Yeah, there is one picture where she's been spotted smoking and wearing a short dress. And people are slut-shaming her. And she was spotted with Ranbir. Forget about Ranbir. I'm just saying that, isn't it shocking that even today how people judge a woman by she's smoking or they are calling her a hypocrite and they are slut-shaming. No, this film is not, sir. I mean, it's not to do with our film. But I think, yeah... But I'll just say one line. I don't want to answer a question, but yeah, it is a little unfair, and everybody knows it's unfair, and it will stop in its you can today because of social media, everything becomes too big a deal. Johnny bhai, इस फिल्म में काम करना अपने आप में आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत बढ़िया मतलब ये सेट पे भी ऐसे होता था ऐसे आप लोगों को आप जोक सुनाते हैं जोक आपको सुनाते हैं ऐसा होता है क्या जोक आपको सुनाते अनुराग अजय भाई के सामने कोई कुछ नहीं बोलता अजय भाई क्या मतलब यार प्रैंक की बात आती है आपका नाम आता है ऐसा वन लाइनर मारता है ऐसा वन लाइनर मारता है आपने देखा भी इनके सामने कुछ बोलना पंगे लेना है
हम लोग बहुत सोच समझ के बोलते हैं. नहीं लेकिन जनरली जब भी हम बैठे होते हैं, मैं आपको बता दूं, हां हां, तो हम सब जॉनी भाई को ढूंढते हैं. जॉनी भाई को सुनाओ और सेट पे बहुत टाइम पास. डेफिनेटली हम लोग एंजॉय करते हैं यार, बहुत एंजॉय करते हैं. आप एंजॉय नहीं करें तो देखो, हम लोग हंसते खेलते फिल्म बना रहे, इसलिए फिल्म अच्छी बनती है. किसी की हिम्मत है कि आपको कोई जोक सुनाए इनमें से? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, सब सब छुपे रुस्तम. लेकिन है कई लोग ऐसे अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं. सेट पे लोग हैं जो बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं. जॉनी भाई को मिमिक्री करके दिखाते हैं. अच्छा अच्छा, इनके सामने जोक सुनाते हैं, इनकी मिमिक्री करते हैं. रिलैक्स, पता है एक बार इनका एक एल्बम निकला हुआ है. जी जी जी, इन्होंने बहुत अच्छा गाया है, कोई शक नहीं. तो सबको सुना, हमने भी गाना सुना सेट पे बैठे हुए, सब सब सुने जाए, इसे सीरियसली सब सुने और एंजॉय किए. वही यार, एक फोटो लेना, चलो ट्विटर पे भेजते, ट्विटर पे डाल लेंगे. तो परिणीति आगे बैठी हुई सब, और सब लोग परिणीति आगे और हम लोग पीछे, और हमको इशारा किया और हम लोग सब सो रहे. इनको पता नहीं पीछे क्या हो रहा है, यानी कि इनका गाना सुन के हमको नींद आ गया. नींद आ गई जैसे. मैंने उनको पूछा, यार तुम्हारी खोपड़ी में ऐसी बात आती कैसे? बोले भाई सीधा सीधा क्या कर रहे हैं यार, कुछ उल्टा करो और मजा आएगा, और लोग देखेंगे, लोग फन के साथ देखेंगे. तो ऐसी खोपड़ी चलती है इनकी. मेरा जैसा है. स्पेंडिंग टाइम विद जॉनी भाई वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस फिल्म. जॉनी भाई, थैंक यू फॉर दिस मोमेंट. क्या बात. अजय सर हियर. सो द गोलमाल हियर इन द सेंटर. So the Golmaal franchise is synonymous with comedy as well as some breathtaking action sequences. But we see all these incidents of road rage happening. So perhaps if you could give your fans a little one or two lines on road safety. You know, we keep doing that on the net, and if you go on my this thing also, you'll see what I have to say. This is not the right place to say it. Reliance aur Sangeeta ji the ye sawal hai. Diwali release hai, aap log ka kya planning hai, kitne theaters? So definitely this will be one of the widest release. As of now, we have been planning to go as wide as close to 4,000 screen in the country, and in overseas we are planning to go at least 70 plus countries. We definitely this will be the in terms of sheer number of release, this will be the biggest release of this franchise. And It is nothing for credit to us. It is the content and the makers who have made it. Yeah. Ajay sir, center. मेरा सवाल दरअसल ये जो टीम है, परमानेंट टीम है गोलमाल की, उन सबसे है कि जो जब आप इस किरदार में जाते हो, एक किरदार जो आप ऑलरेडी निभा चुके हैं पहले भी एक बार दो बार तीन बार, उस पर वापस लौटना आसान होता है या नहीं? बिल्कुल आसान नहीं होता. इनफैक्ट जब हमने लास्ट को कितने सात साल हुए, तो जब पहले दिन जब मैं भी सेट पे पहुंचा तो एक सीन था जैसे रोहित ने बताया हम लोगों करने के लिए. तो हम सब ने एक रिहर्सल की, तो रोहित ने बोला पहले एक काम करते हैं, उसने 3 का डीवीडी मंगाया और एक सीन लगाया. तो हम लोग सब परेशान हो गए थे क्योंकि हम उस पिच पे पहुंचने में हम पहुंच नहीं पा रहे थे जो हमने उस वक्त किया था. आफ्टर सीइंग दैट सीन वी डिसाइडेड हाउ वी विल गो देयर. अदरवाइज यू नो, 7 साल बाद वही सेम पिच पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. हम सबके लिए हुआ था फर्स्ट डे. एंड रोहित, जैसे आप परिणीति ने खुद कहा कि वो हैरान थी जब उन्होंने जब आपने उनको फोन किया इस फिल्म के लिए, तो कास्टिंग के बारे में मैं खासतौर पर तब्बू जी एंड परिणीति को चूज करने का क्या रीजन रहा, कैसा आपने? आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाई परिणीति एंड वाई तब्बू. और हैरान थी, फोन आया, नहीं करना चाह रही थी, करना चाह रही थी, समझ में नहीं आया. अच्छा, एक हमारे स्टार है, थोड़ा लेट आए हैं, आप सब जानते हैं. आओ ना सर, आओ.